हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो डाला था एक मुलाकात दालों के साथ और वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक हमारे व्यूअर हैं सचिन शर्मा जी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से आपने दालों का यह वीडियो बनाया है और जिस तरह से ये लोगों को हेल्प कर रही है, इसी तरह से आप आटे का भी एक वीडियो बनाए और हमें बताए तरह तरह के आटे के बारे में। तो उनके ही रिक्वेस्ट को लेकर के आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि तरह तरह के आटे कौन कौन से होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है, उनका अंग्रेजी नाम क्या है, उसे किस नाम से जानते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं के आटे को और मैदे को। ये है गेहूं का आटा जो कि पूरे गेहूं के दाने को पीस करके बनाया जाता है। गेहूं का दाना जिसे कि हम वीट कर्नल बोलते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है भीतरी सफेद हिस्सा जिसे कि हम एंडोस्पर्म बोलते हैं और वो गेहूं का 85% होता है, और एक होता है ऊपरी हिस्सा यानी कि स्किन जिसे कि हम ब्रैन बोलते हैं, वो गेहूं का 15% होता है। तो इसे जब हम बनाते हैं तो ये पूरे गेहूं को पीस के बनाते हैं। ब्रैन जो होता है उसमें फाइबर होता है और बाकी सारी चीजें जो हैं वो एंडोस्पर्म में भी होती हैं। तो ये जो आटा होता है वो हेल्दी होता है, चूंकि इसमें फाइबर होता है तो ये पचने में आसान होता है। लेकिन जब हम मैदा बनाते हैं तो मैदा में हम ऊपरी हिस्सा यानी ब्रैन को अलग कर देते हैं और सिर्फ एंडोस्पर्म को पीस करके मैदा बनाया जाता है और काफी बारीक पीसा जाता है। चूंकि मैदा में ब्रैन नहीं होता तो इसमें फाइबर भी नहीं होता, और फाइबर नहीं होता तो ये पेट के लिए ठीक नहीं होता। चूंकि फाइबर नहीं जाता तो हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि मैदा जो है वो नुकसानदायक है। अब आप आटे का टेक्सचर देखें तो गेहूं का आटा चूंकि इसमें फाइबर भी है ब्रैन भी है तो ये जो है ये थोड़ा खुरदरा होता है अगर आप छू के देखेंगे, लेकिन ये जो मैदा है ये बिल्कुल चिकना होता है क्योंकि इसके ऊपर फाइबर वाली कोई चीज नहीं होती है। इसके अलावा चूंकि इसमें जो गेहूं का ऊपरी हिस्सा होता है वो थोड़ा ब्राउनिश होता है तो इसलिए आटा थोड़ा ब्राउन आपको दिखता है, मैदा बिल्कुल सफेद दिखता है चूंकि ये अंदर के हिस्से से बनता है। अब चलिए इसको हटा करके हम दूसरी चीज को देखते हैं। जिस तरह से हमने गेहूं के आटे और मैदे को देखा उसी तरह से अब हम देखेंगे सत्तू और बेसन को। सत्तू जिसे कि हम रोस्टेड चिकपी फ्लावर या रोस्टेड ग्राम फ्लावर बोलते हैं, और बेसन जिसे कि हम ग्राम फ्लावर या चिकपी फ्लावर बोलते हैं, इन दोनों में अंतर यह है कि ये जो चना होता है उसको रोस्ट करके और तब बनाया जाता है, यानी कि चने को रोस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसे पीसा जाता है, और बेसन जो है वो कच्चे चने या कच्चे चने की दाल से बनता है, और इस केस में थोड़ा सा उसका ऊपर का छिलका हटा भी दिया जाता है। तो बेसन आपको ज्यादा पीला सा दिख रहा होगा, ये थोड़ा ब्राउनिश दिख रहा है। अब चूंकि सत्तू रोस्टेड ग्राम फ्लावर है तो ये जो है ये पेट के लिए अच्छा होता है, इसमें छिलका भी होता है, और बेसन जो है ये पेट के लिए भारी होता है, इसलिए जब हम बेसन का कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हींग डालते हैं ताकि हमारे पेट को नुकसान नहीं हो, क्योंकि बेसन खाने से पेट में गैस बनती है। अब देखिए कितना उल्टा है कि जहां बेसन खाने से पेट में गैस होती है उसी गैस का इलाज है सत्तू, यानी कि सत्तू को अगर आप घोलकर पी लेते हैं या तो दूध के साथ या फिर इसी तरह से नमक के साथ, तो वो आपके गैस और एसिडिटी को बिल्कुल दूर करता है। इसके साथ साथ सत्तू को अगर आप घोल के पीते हैं तो आप लू से भी बच सकते हैं, लू से बचाव करता है, पेट के लिए भी ये काफी अच्छा है और बहुत फिलिंग भी है। अगर आप सत्तू घोल के ही पी गए तो आपको और कोई चीज ना भी खाएं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये गैस और एसिडिटी का बहुत अच्छा इलाज है और ये गैस पैदा करता है, इसलिए इसे बहुत उबालना होता है और हींग के साथ भी इसे बनाना होता है। अब जब टेक्सचर की बात करें तो चूंकि सत्तू में ऊपर का छिलका भी पिसता है तो ये थोड़ा सा बेसन से ये भुरभुरा होता है और बेसन जो है वो चिकना होता है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, और कलर में तो डिफरेंस होता ही है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि ये तो जो हमने सत्तू लिया है ये बिहार का सत्तू लिया है और ये शुद्ध चने का बनता है, लेकिन सत्तू जो है वो जौ का भी बनता है, उसमें और भी चीजें इस्तेमाल करते हैं कि जैसे जौ डाल दिया या फिर मक्का डाल दिया और उसे भी भून करके हम सत्तू बनाते हैं। तो चलिए अब इन्हें भी हम अलग करते हैं। अब जो ये तीसरा ग्रुप है ये है मक्के के आटे का और कॉर्नफ्लावर का। मक्के का आटा जिसे हम कॉर्न मील बोलते हैं
और कॉर्न फ्लावर जिसे हम कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। इससे आप समझ रहे होंगे कि ये जो है ये पूरे मक्के को पीस करके बनाया जाता है और इसमें इसका ऊपर का छिलका हटा दिया जाता है और मक्के के अंदर के एंडोस्पर्म से आपका ये कॉर्न स्टार्च बनाया जाता है। अगर घर में बनाना चाहें तो कॉर्न को हम पानी में भिगो करके और फिर उसका जो पीस करके और उसका ऊपर का छिलका छान करके अंदर जो चीजें बैठती हैं, नीचे जो चीज बैठती है उसको सुखा के बनाते हैं, यानी कि ये बिल्कुल एंडोस्पर्म से बनता है और इस कारण से ये जो है ये आपके रोटी सेकने में काम आता है। आप देखते होंगे मक्के की रोटी हम बोलते हैं और ये साथ साथ बिल्कुल दानेदार होता है, लेकिन ये बहुत बारीक होता है और अंदर से बना होता है तो आप देखिए ये बहुत चिकना होता है और अगर आप इसको हटाएंगे तो ये हटने को तैयार नहीं होगा, बिल्कुल हाथों में लग जाएगा, पानी में भी घोलेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। क्योंकि इसका बनाने का प्रोसेस भी जो है अगर हम इसको धो के भिगो के पीस करके बनाते हैं और जिस चीज से बनाते हैं वो भी आप देखते हैं देखेंगे कि पानी में नीचे बैठ जाता है, उसे ही हम कुरच के और उससे बनाते हैं। अब इस्तेमाल ये होता है, इसका तो बहुत बड़ा इस्तेमाल है, आपने सुना ही होगा मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, और इसका जो इस्तेमाल है वो बाइंडिंग एजेंट के रूप में होता है। आप कोई भी चीज बनाते हैं उसको बाइंड करना होता है, चाहे आप कटलेट बना लें या फिर आप फ्रेंच फ्राइज बनाएं या फिर आप कोई भी जो हमारी चाइनीज डिश होती है जैसे मंचूरियन है तो हम ग्रेवी को गाढ़ा करने में भी इसका काम लाते हैं और साथ साथ बाइंडिंग में भी इसका काम होता है। इसके साथ साथ जो हम फालूदा बनाते हैं कुल्फी के ऊपर जो सेवैयां डालते हैं उसको भी हम कॉर्नफ्लावर से बनाते हैं। तो ये दोनों है, ये है कॉर्न बीन और ये है कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, तो इन दोनों को भी हम हटाते हैं। ये हमारा तीसरा जोड़ा था, अब चलते हैं चौथी चीज की तरफ। अब मैं आपको एक अकेली चीज दिखला रही हूं और वो है चावल का आटा। चावल का आटा बिल्कुल सफेद होता है, चावल से बनता है, चावल के ऊपर ऐसा कोई छिलका नहीं होता जिससे इसका रंग बदले, और इसका इस्तेमाल जो है वो हम मोदक बनाने में करते हैं। इसके अलावा पीठा जो है वो सब चावल के आटे से बनता है, चावल के आटे की रोटी भी बनती है जो साउथ में बहुत ज्यादा चलती है। चावल का आटा आपने सुना होगा, चावल के आटे को हम किसी भी पकौड़े या कटलेट को कुरकुरा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी थोड़ा सा आप अगर इसे छुएंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा दानेदार है, बहुत चिकना नहीं होता है। चावल के आटे को हम राइस फ्लावर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। अब जो अगला आटा हमारे सामने है वो है ज्वार का आटा और बाजरे का आटा। ज्वार का आटा जिसे कि हम जानते हैं सोरगम के नाम से, और बाजरे का आटा जिसे कि हम जानते हैं पर्ल मिलेट के नाम से। तो ये दोनों जो आटा है ये मिलेट्स हैं, सोरगम मिलेट और पर्ल मिलेट, और इनका भी जो काम है उसकी हम रोटी बनाते हैं और इसमें बहुत बढ़िया फाइबर प्रोटीन सब कुछ पाया जाता है। ये दोनों आटे जो हैं वो थोड़े से खुरदरे होते हैं, यानी कि खुरदरे कहने का मतलब कि इतने चिकने नहीं होते जो उंगली में चिपके, और इन दोनों से भी रोटियां बनाई जाती हैं। लेकिन ये मिलेट हैं तो मिलेट होने के कारण क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी तो इन दोनों को मैं अलग रखती हूँ और आपको मैं दिखलाती हूँ व्रत के आटे जो कि ज्यादातर मिलेट्सी होते हैं। अभी ज्वार और बाजरा को मैं अलग करती हूँ। अब मैं आपके सामने व्रत में इस्तेमाल होने वाले तीन तरह के आटे लेकर के आई हूँ। यह है सिंघाड़े का आटा, यह है कुट्टू का आटा, यह है राजगीरे का आटा। सिंघाड़े का आटा यानी कि वाटर चेस्टनट फ्लावर, जो पानी फल सिंघाड़ा होता है उसको सुखा करके इस आटे को बनाते हैं। इसका इस्तेमाल पूरी बनाने के लिए भी होता है, हलवा बनाने के लिए होता है, और ये व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ये कुट्टू का आटा है, एक तरह की घास होती है कुट्टू, और इसको हम बोलते हैं बकव्हीट। ये बकव्हीट मिलेट है और इसके आटे का इस्तेमाल भी हम व्रत में पूरी बनाने के लिए करते हैं। साथ साथ ये है राजगीरे का आटा, राजगीरा यानी कि जिसको हम रामदाना भी बोलते हैं, इसे हम किंग सीड फ्लावर या अमरंथ मिलेट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। अमरंथ जिसका कि संस्कृत में अर्थ होता है नेवर एंडिंग, तो ये नेवर एंडिंग मिलेट का आटा है और इसका इस्तेमाल भी हम व्रत में पूरियां बनाने के लिए करते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको दो मिलेट्स दिखाए थे और वो जो मिलेट थे वो थे ज्वार और बाजरा, यानी कि सोरगम मिलेट और पर्ल मिलेट।
तो ये जितने भी मिलेट हैं, चाहे वो कुटू हो, चाहे वो राजगीरा हो, चाहे ज्वार हो या बाजरा हो, इन सब के आटे को, या फिर वो सिंघाड़े का आटा ही क्यों ना हो, इन सब आटे की पूरियां आप नॉर्मल तरीके से गूंद करके नहीं बना सकते। बहुत मुश्किल होता है, नहीं बेली जाती, फट जाती हैं। तो इनको या तो गर्म पानी में डाल करके गूंदा जाता है, या फिर इसमें आलू मिला करके और इनकी पूरियां तली जाती हैं। इसी तरह से जो हमने अभी मक्के का आटा देखा था, उसके लिए भी गर्म पानी की जरूरत होती है और उसमें गूंद करके ही पूड़ियां बनती हैं या रोटियां बनती हैं, या फिर उसमें हमें गेहूं का आटा मिलाना पड़ता है ताकि उसमें लचीलापन आए। ऐसा नहीं है कि ऐसे भी नहीं बना सकते, लेकिन सधे हुए हाथ चाहिए और उसे हाथ से ही बना सकते हैं। बेलना बहुत मुश्किल है, फटने लग जाती है। अभी मैं सारे मिलेट्स को आपको एक साथ दिखलाऊंगी और भी मिलेट्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन एक आटे का जिक्र यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ और वो जो आटा है वो है अरारोट। उसका इस्तेमाल भी हम व्रत में करते हैं, चूंकि व्रत की बात कर रहे हैं, तो लेकिन अरारोट का जो किस्सा है वो अभी मैं बताती हूँ। मैं माफी चाहूंगी, अरारोट हमारे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखला सकती। आज मैं किराने की दुकान गई थी लेने के लिए अरारोट, लेकिन मुझे दुख हुआ इस बात को देख करके कि अरारोट को लेकर के बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। लोग मक्की के आटे को भी अरारोट बोलते हैं, कॉर्नफ्लोर को भी अरारोट बोलते हैं। एक्चुअली मुझे आज एक पैकेट दिया गया जिसमें कि एक तरफ मक्का बना हुआ था और दूसरी तरफ अरारोट भी लिखा हुआ था, और वो बिल्कुल जोर दे रहे थे कि मैडम अरारोट और कॉर्नफ्लोर अलग अलग नहीं होता, ये दोनों एक चीज है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ऐसी चीज नहीं है। अरारोट जो है वो एरोरूट नाम के एक प्लांट से बनता है, उसकी जड़ से बनता है, और अरारोट को हम उपवास में खा सकते हैं, जबकि हम मक्के के आटे को या कॉर्नफ्लोर को उपवास में नहीं खा सकते। अरारोट जो है वो गुलाब जामुन में आप मिला दीजिए तो मैदे का काम करता है और आपके गुलाब जामुन जो है उपवास वाले गुलाब जामुन बन जाते हैं। इसी तरह और भी मिठाइयों में इसका काम ले सकते हैं। अरारोट से हम फालूदा भी बनाते हैं, हालांकि उसे कॉर्नफ्लोर से भी बनाते हैं, अरारोट से भी बनाते हैं। और साथ साथ अरारोट का सबसे बड़ा इस्तेमाल जो होता है वो होता है कपड़ों में कलफ चढ़ाने के लिए। जब ज्यादा कपड़े होते हैं और कलफ चढ़ाना होता है तो अरारोट एक सस्ता विकल्प होता है। तो चलिए, अरारोट तो नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी आटे की बात करते हैं। लेकिन आप अरारोट लेने जाएं तो जरूर इंश्योर कर लें कि अगर आप उसे उपवास के लिए ले रहे हैं तो मक्के का आटा आपके पास नहीं आए, सही में अरारोट ही आपके पास आए। अब आपके सामने रखे हुए हैं दो चीजें। ये है साबूदाना, जो आप सभी जानते होंगे, और इसे अंग्रेजी में सैगो बोलते हैं, और ये है समा राइस या मोरधन राइस। इन दोनों का भी आटा बना करके, इन्हें भी पीस करके और व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। जो साबूदाना है वो सैगो पाम के जड़ के रस से बनाया जाता है, उससे तैयार होता है। और ये जो है फिर से एक तरह का मिलेट है और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे हम बोलते हैं समा, श्यामा, संवत, झंगोरा, उड़ालू, और भी कई नाम हैं इसके। और ये जो मिलेट है वो बार्न यार्ड मिलेट है, इस मिलेट को कहते हैं बार्न यार्ड मिलेट। अब मैंने इतने सारे आटे आपको बताए, सारे आटे को मैं एक साथ फिर से इकट्ठा करूंगी। उसके पहले एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मिलेट क्या होता है, मिलेट की क्या बात कर रही हूँ। तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारे ज्यादातर जो आटे हैं जो व्रत में हम खाते हैं वो मिलेट ही हैं। मिलेट जो है वो ग्रास फैमिली यानी कि पोएसी फैमिली के छोटे छोटे घास होते हैं, जिसमें छोटे छोटे गोल गोल बीज होते हैं, दाने होते हैं, और उन्हीं से ये सारे जो आटे हैं वो बनाए जाते हैं। तरह तरह के मिलेट्स होते हैं, यहाँ पे पांच तरह के मिलेट हैं, जैसे कि हमने दिखाया, यह है बाजरा, यह है ज्वार, ये है रामदाना यानी कि राजगीरा, यह है कुटू और यह है समा। ये पांच तरह के मिलेट्स हमने यहाँ पे देखे हैं। इन सब के अलावा भी बहुत सारे मिलेट्स होते हैं, जैसे कि चेना, जो कि बिलोंग करता है ब्रूम कॉर्न मिलेट या पोर्सो मिलेट की वैरायटी में। इसके अलावा होता है नाचनी या रागी, आपने नाम सुना होगा, वो फिंगर मिलेट कहलाता है। साथ साथ होता है बर्री या बारागू, जिसको कि हम प्रोसो या कॉमन मिलेट बोलते हैं। कंगनी या कोरा या काकुम, जिसको कि हम फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं। कोदरा या कोदो या वरागू, जिसको कि हम कोदो मिलेट बोलते हैं। इसके अलावा एक जो हमने यहाँ पे समा का नाम लिया, उसी तरह से एक होता है मुरैयो, समाई या कुटकी। तो इस तरह के मिलेट को जो है हम बोलते हैं लिटिल मिलेट। उसके अलावा
कोराले होता है जिसको कि ब्राउन टॉप मिलेट बोलते हैं, राला होता है जिसको इटालियन मिलेट बोलते हैं। तो बहुत तरह के मिलेट के वैरायटी हैं, उसके भी आटे बनते हैं। अब मैं सभी जितने भी आटे अभी मैंने आपको दिखलाया उसको मैं एक साथ दिखलाती हूँ। ये है गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लार, मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लार या ऑल पर्पज फ्लार, बेसन यानी कि चिकपी फ्लार या ग्राम फ्लार, सत्तू यानी कि रोस्टेड चिकपी फ्लार या रोस्टेड ग्राम फ्लार, मक्के का आटा यानी कि कॉर्न मील, कॉर्न फ्लार यानी कि कॉर्न स्टार्च, चावल का आटा यानी कि राइस फ्लार, ज्वार यानी कि सॉर्गम मिलेट फ्लार, बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट फ्लार, राजगीरे का आटा या रामदाने का आटा यानी कि अमरंथ मिलेट फ्लार, कुट्टू का आटा यानी कि बकव्हीट मिलेट फ्लार, सिंघाड़े का आटा यानी कि चेस्टनट फ्लार, मोरधन या वघर या समा चावल यानी कि बार्नयार्ड मिलेट, साबुदाना यानी कि सैगो। तो आशा है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और कुछ जानकारी इसे ज़रूर मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और दूसरों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी या एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।